बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल वी स्टार्ट कॉफ़ी विद सीईओ सेशन विद मोहम्मद आतिफ खनीफ साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सीईओ हैं अलबरका बैंक इस्लामिक बैंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। तो बहुत ज़बरदस्त ये अलबरका की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है। तो आज हम इनके साथ आतिफ साहब के साथ एक इनकी एक सीक्रेट्स ऑफ सीईओस की जो सक्सेस स्टोरी इनके साथ इनसे पूछते हैं। सबसे पहले जी आतिफ हनीफ साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। आतिफ साहब मुझे आपसे पहले ये बताइए कि क्या हाउ यू लैंडेड एज अ सीईओ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अलबरका बैंक। यू हैव अ लॉन्ग जर्नी ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री। थोड़ा सा अपनी बताइए अपनी कुछ लाइफ के कुछ चैलेंजेस कुछ जर्नी कुछ एंड देन यू लैंडेड एज अ प्रेसिडेंट। ये तो जी एक लंबी स्टोरी को मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई डिड माय अंडरग्रेड फ्रॉम यूएस कैलिफोर्निया। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। मेरी पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ एसोसिएशन कुछ इस नेचर की थी कि आई हैड टू मूव बैक टू पाकिस्तान। और आई स्टार्टेड विद अ ब्रोकरेज हाउस जो खादिम अली शाह बुखारी वॉज यूज टू बी अ ब्रोकरेज हाउस एट दैट टाइम। फिर हमारी उनके साथ एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट में आई ओपन देयर ब्रांच इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इन पेशावर। जब हालात कुछ थोड़े से कैपिटल मार्केट्स के ख़राब हुए जब 1998 में डॉलर अकाउंट फ्रीज हुए और मार्केट्स क्रैश हुई तो एट दैट टाइम आई शिफ्टेड फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स टू बैंकिंग। सो आई स्टार्टेड माई बैंकिंग कैरियर विद बैंक अलफला। इट वॉज द फिफ्थ ब्रांच ऑफ बैंक अलफला जिसको मैंने ज्वाइन किया था। इट वॉज वेरी इंसेप्शन स्टार्टिंग। जी जी बिल्कुल शुरू की बात है 1999 परवेज शाहिद और जी यस बिल्कुल जी। तो उन्होंने जो फाउंडर्स थे बैंक अलफला के पाकिस्तान में वो लीडरशिप थी जिस टीम को मैंने ज्वाइन किया। और फिर आफ्टर वन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग दे लॉन्च द MTO प्रोग्राम। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द MTO बैच वन ऑफ बैंक अलफला माशाल्लाह जी। फिर 2006 में आफ्टर हज आई डिसाइडेड टू लीव कन्वेंशनल बैंकिंग एंड ज्वाइन इस्लामिक बैंकिंग। तो फिर मैं कुछ अर्सा दुबई इस्लामिक बैंक में रहा। तो आई स्टार्टेड माई बैंकिंग एक्चुअली मिक्स इनिशियली आई वॉज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ BDOs ऑफ बैंक अलफला। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल बिगिनिंग बिल्कुल मार्केटिंग ऑफिसर देन MTO। उसके बाद आई बिकेम क्रेडिट ऑफिसर एक्चुअली क्रेडिट इंचार्ज। फिर विद इन टू ईयर्स ऑफ माई MTO प्रोग्राम आई बिकेम द फर्स्ट ब्रांच मैनेजर फ्रॉम द MTO कैटेगरी इन बैंक अलफला। और फिर उसके बाद आई बिकेम क्रेडिट मैनेजर फॉर अ लार्जर रीजन। देन आई जॉइंड इस्लामिक बैंक्स में दुबई इस्लामिक। और फिर देन लेटर ऑन अबाउट 4 years लेटर आई जॉइंड HBL एज एरिया मैनेजर फॉर KPE। उसके कुछ अरसे बाद ही एक विद इन अ ईयर दे प्रमोटेड मी एंड आई बिकेम द रीजन हेड नॉर्थ फॉर इस्लामिक बैंकिंग इन HBL बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद। वो एक बड़ा अच्छा जो था एक जर्नी थी। विद इन द HBL इज़ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बट इस्लामिक वाज इन इन्फेंसी। और वो नॉर्थ का जो रीजन जो मुझे मिला था इट वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंज और इस्लामिक बैंकिंग का रिवाइवल था एक्चुअली इन HBL। तो व्हेन आई लेफ्ट HBL इन 2015 तो इट वॉज़ दी टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट दैट टाइम। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ग्रुप हेड ऑफ बैंक ऑफ खैबर एज इस्लामिक बैंकिंग इन पेशावर। देयर हेड ऑफिस इज बेस्ड इन पेशावर। तो वहाँ पे भी एक चैलेंज था। द इस्लामिक साइड ऑफ द बैंक वॉज क्वाइट स्मॉल एट दैट टाइम और कंट्रीब्यूटिंग हार्डली एनीथिंग टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपेयर टू व्हाट इट ग्रू लेटर ऑन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई लेफ्ट बैंक ऑफ खैबर तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इस्लामिक बैंकिंग सेगमेंट्स इन द कंट्री ऑफ एनी कन्वेंशनल बैंक माशाल्लाह जी। तो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हेयर इन अलबरका। दिस वॉज समर ऑफ लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज कॉन्टेक्टेड और फिर वहाँ से बात शुरू हुई। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स
I got a call that I've been selected. MashaAllah. तो जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने जाके अपनी वालदा को जब बताने गया, इट वॉज इवनिंग, घर पे ही था, तो वो उस वक्त कुरान शरीफ पढ़ रही थी. तो मैंने उनका हाथ चूम के कहा, मुझे नहीं पता इन हाथों से आप क्या मांगती हैं, लेकिन जो मेरे अभी इमेजिनेशन में नहीं था, अल्लाह ने मुझे वो भी दिया. बहुत बड़ी बात. तो फिर उसके बाद जी मैं अपनी वालदा और सारी फैमिली के साथ उमरे पे गया, और वहाँ मदीना शरीफ में फिर मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता कि ये सारी जो डेवलपमेंट है इसके पीछे आपका क्या प्लान्स हैं, लेकिन जहाँ आपने ये किया तो उसके आगे का सिलसिला भी आप ही कर दें. सुभान. तो यहाँ से सारी जर्नी, योर मदर विल बी रियली प्राउड ऑफ यू. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो यहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई अलबरका की. और फिर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो अच्छा, यहाँ से मैं, अब ये तो हो गया ना कि आपकी माशाल्लाह एक बड़ी इंस्पायरिंग आपकी एक जर्नी रही आतिफ भाई. जब अलबरका आए तो क्या, बीइंग अ प्रेसिडेंट माशाल्लाह, आपने दिस द मोस्ट कोविटेड प्लेस इन द पर्सन्स प्रोफेशनल करियर, तो क्या चैलेंजेस आपको इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, इंडस्ट्री जनरल और अलबरका के हवाले से क्या चैलेंजेस, और आपने जब स्वॉट एनालिसिस किया तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, और अब तक क्या आपने उसकी, आपकी जो इस थोड़े से टाइम पीरियड में क्या लिटिल अचीवमेंट्स हैं? ये आपने बहुत खूबसूरत बात की. अलबरका बैंक पाकिस्तान में 30 सालों से ऑपरेट कर रहा है. यस, वी वर द ओल्डेस्ट इस्लामिक, द ओल्डेस्ट इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान. और ये सिर्फ ऐसा बैंक नहीं था जो पाकिस्तान में आके इस्टेब्लिश हुआ, और वी वर इन 15 अदर कंट्रीज. यस, जहाँ पे हम इस्टेब्लिश, बेसिकली बहरीन का है, बहरीन का बैंक, बहरीन का इन्वेस्टमेंट हेड ऑफिस है, ग्लोबल हेड ऑफिस वो बहरीन में है. 15 मुल्कों में हम ऑपरेट कर रहे हैं. एंड इट्स अ प्योरली ट्रूली इस्लामिक बैंक. यस, इसकी कोई कन्वेंशनल साइड नहीं, कोई प्योर इस्लामिक बैंक, और वेरी वेल इस्टेब्लिश इन सो मैनी कंट्रीज़. तो इस जो ये स्ट्रेंथ है इसकी, वो सिर्फ ये नहीं कि 30 साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, बल्कि ये भी कि 14-15 मुल्कों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में शेयर कर रहा है इन वन वे और अनदर. और इस स्ट्रेंथ के साथ जब हमने देखा, जब आपने जो सवाल किया, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी नज़र आई वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई. यस, कि ये ग्लोबल एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स की बेस पाकिस्तान में, और अभी हमारे पास ग्रोथ का जो रूम है वो इतना ज़्यादा है कि वी आर स्टिल जस्ट 170 ब्रांचेज इन द कंट्री. ऑल दो दीज ब्रांचेज आर वेरी वेल पोजिशनड, अच्छी सिटीज में, अच्छी उसकी लोकेशन जी, ज्योग्राफिकली अर्बन स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, अर्बन स्ट्रेटजिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो इसकी प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छी है. प्लेसेस लाइक लाड़काना, उकाड़ा, भावलपुर, इन जगहों पे भी प्रेजेंस उसकी बड़ी अच्छी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसी तरह नॉर्थ में चले जाएँ तो मंगोरा, तैमरगरा, वो सारा एरिया, खान, वो एरिया भी कवर्ड है. तो विद 170 इट्स वेरी वेल पोजिशन टू कवर द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान. तो जब हमने ये सब देखा तो इसमें अपसाइड बहुत नज़र आई, ग्रोथ की और रूम फॉर जो ग्रोथ है, रूम फॉर ग्रोथ बहुत है. तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक बड़ी कॉमन फैक्टर है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी कमर्शियल बैंक, वो ये है कि अनलाइक अदर कंट्रीज़ के जहाँ पे स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट बैंक, कंज्यूमर के बैंक होते हैं जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, मॉर्गेज बैंक्स होते हैं जो सिर्फ मॉर्गेज करते हैं, SME बैंक्स हैं जो सिर्फ SMEs को फाइनेंस करते हैं, और उनको क्रेडिट लाइंस मिलती हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, सोर्स ऑफ उनकी फंडिंग जो होती है, और फिर उसको अपने स्प्रेड्स के साथ जो है रख के आगे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर प्रायोरिटीज आर. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में हर कमर्शियल बैंक जो है उसकी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाके कंज्यूमर से वो ड्राइव करते हैं. ठीक. तो रिटेल बैंकिंग इज़ द की फॉर सक्सेस ऑफ एनी कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान. ट्रू. रिटेल बैंकिंग साइड पे हमें बहुत रूम नज़र आया फॉर इम्प्रूवमेंट इन अलबरका बैंक. और रिटेल बैंकिंग में इट स्टार्ट्स विद नंबर ऑफ अकाउंट्स, आप कितने खोलते हैं पर मंथ, पर ईयर, फिर उसमें जो डिपॉजिट मिक्स है वो किस टाइप का है. अगर आपका ज़्यादा डिपॉजिट हाई कॉस्ट है तो फिर भी आपका मिक्स ठीक नहीं है. तो यू हैव टू हैव अ गुड डिपॉजिट मिक्स ऑफ कंज्यूमर, रिटेल, इंडिविजुअल कस्टमर्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. और फिर उसमें आपका एक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो आपका
एक फंडामेंटल बेस बनता है जिसकी वजह से आपकी फिर गोइंग फॉरवर्ड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्राइव होती है। तो हमने उस चीज़ पे फोकस किया और रिटेल बैंकिंग को अपने टॉप प्रायोरिटी रखी। हमने 2023 को नाम दिया द बिगिनिंग ऑफ टर्न अराउंड और उसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा जो है उसको रखा, दैट इज़ रिटेल बैंकिंग। जहाँ तक एसेट है, एसेट आपके जो इस्लामिक बैंक्स के पहले चैलेंजेस होते थे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं थे, जिसको हम सुकूक्स कहते हैं, तो अब सुकूक्स भी एबंडेंस में अवेलेबल हैं। आपके पास जो हमारा एडीआर है वो भी बड़ा अच्छा मेंटेन होता है, जो 50% का बेंचमार्क है उससे या उससे ऊपर ही होता था। और कॉर्पोरेट साइड पे भी हमारा पोर्टफोलियो रहता था। कंज्यूमर में भी है वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियोज इन द कंट्री, दी स्पेशली द ऑटो फाइनेंस, एसएमई कमर्शियल इज अ गुड पोर्टफोलियो। तो हमारा जो बेसिक चैलेंज था वो था द रिटेल बैंकिंग, द लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी है उसमें हमने अपना फोकस जो प्रायोरिटी शिफ्ट की। तो हमारा जो करंट अकाउंट है इट यूज़ टू बी 41 बिलियन रुपीज़ जो हमने ईयर स्टार्ट किया था, माशाल्लाह। तो 30 ईयर्स में 41 बिलियन एंड वी क्लोज जून ऑन 59 बिलियन, विच इज़ अ 42% ग्रोथ इन 6 months। अल्हम्दुलिल्लाह सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी डिड विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो हमने दिसंबर का जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट था, प्रॉफिट का वो आपने अचीव कर लिया आफ्टर टैक्स, वो हमने सरपास कर लिया जून में। जून में ही, मतलब 6 months में। 6 months में, तो अल्हम्दुलिल्लाह द टीम रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द स्ट्रेटजी। हमारा बोर्ड बड़े बहुत खुश है, हमारी उन्होंने सही बंदा पिक किया करिए तो अल्लाह ताला वो जैसे मंजूर है। हमारी इन्होंने लास्ट ईयर एक 5 ईयर की स्ट्रेटजी बनाई थी एक कंसल्टेंट्स के थ्रू, तो मुझे फिर ये परफॉर्मेंस को देख के कहा कि अब वो स्ट्रेटजी इतनी रेलेवेंट नहीं लगती, अब थोड़ा सा रिवाइज करें, दोबारा बनाएं जी 5 ईयर। वेरी गुड जी, तुम्हारी दुबई में लास्ट मंथ जो है बोर्ड की स्ट्रेटजी मीटिंग हुई जहाँ मैंने 5 ईयर की स्ट्रेटजी लाइक जी। और उसके अलावा हमने उनको बताया कि जो मोमेंटम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ हुआ है इस वक्त, उसको हम इसके ऊपर बिल्ड करना चाहेंगे एक सिनर्जी जिसके बेस पे हम अपने आप को आए करें इन 2 to 3 years अचीविंग द मिड साइज बैंक्स के लेवल। सर यही मैं एक सवाल आगे करना चाह रहा था आतिफ साहब से कि आतिफ साहब से हम ये पूछते हैं कि अब क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, व्हाट इज शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि ओल्डेस्ट बैंक अलबारका होते हुए, जबकि दूसरे बैंक इस्लामिक बैंक नाम में नाम क्या लूँगा, नाम भी नहीं था उन लोग उन बैंकों का, तो क्या वजह है कि अलबारका की जो स्पीड थी वो इतनी स्लो क्यों थी? जब पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ गया इस्लामिक बैंकिंग का और कई इस्लामिक बैंक्स खुल गए, मिज़ान बैंक आ गया, अल्फला ने शुरू कर दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, बैंक इस्लामी दुबई, तो सर ये मेरा सवाल है कि वो बाद में एंट्रेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं और वो आगे इन सम्स ऑफ साइज चले गए, तो व्हाट वाज द रीजंस? ये जो अब आपका जो 5 साल का विज़न है, क्या आप अब उस तो कहाँ तक जाएंगे सर? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से बैंक उस लेवल पे ग्रो नहीं किया, हाँ, जिसकी 30 ईयर्स प्रेजेंस जी जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा वो गैप्स पे, बिकॉज गैप एनालिसिस के बेस पे हमारी स्ट्रेटजी बनी जी ऐसी है, तो मैं वो गैप आपको ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि वो गैप्स क्या थे। तो गैप जो थे वो ये थे कि हमने रिटेल बैंकिंग पे फोकस उस तरीके से शायद नहीं किया जो करना चाहिए था। फिर हमारे बैंक की कुछ हिस्ट्री में 2-3 मर्जर्स रहे हैं, 2-3 बैंक्स मर्ज हुए हैं, तो वो मर्जर का जो सिनर्जी एक ऑन पेपर शायद ऑब्जेक्टिव होगा उसका, वो प्रैक्टिकली जो है वो नहीं अचीव हो सका। ब्रांच नेटवर्क भी जब मर्ज हुए तो इंस्टेड ऑफ 2+2=4 फिर कुछ ब्रांचेस बंद करनी पड़ी बिकॉज वो या तो बहुत करीब थी, तो बहरहाल उस वक्त के जो भी डिसीजंस थे, नॉर्मली रीलोकेशन से आप जो है ब्रांचेस की प्रेजेंस दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रांचेस बंद हुई कोई 45 के करीब इन लास्ट 3-4 ईयर्स, तो द नेटवर्क एक्चुअली केम डाउन टू 170। तो
अभी हमने जो किया वो एक बड़ा बेसिक जो बैंकिंग है कि रिटेल बैंकिंग पे फोकस किया, करंट अकाउंट पे फोकस किया, एनटीबीज पे फोकस किया, सारे बैंक को रिजुविनेट किया कि टूअर्स रिटेल डिपॉजिट्स लेके आए, करंट डिपॉजिट्स लेके आए, हमारी जो इवन एसएमई की और जो कॉर्पोरेट की टीम्स हैं उनके भी टारगेट्स हैं फॉर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो कि वो अपने अपने सेगमेंट से जनरेट कर रहे हैं. फिर जो हमारी इवन कंज्यूमर की जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत गैप्स थे जहां हमारे पास लोगों ने अकाउंट नहीं खोले हुए थे और दूसरे बैंकों में अकाउंट्स थे, फाइनेंसिंग हमसे ली हुई थी. हमने कुछ इंसेंटिव्स बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप किए जिससे उन्होंने अकाउंट खोलने शुरू कर दिए. तो दिस मैसिव फोकस ऑन लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है वो हमारा एक बेसिक बेस बन रहा है फॉर द बैंक टू राइज टू नेक्स्ट लेवल इन 2 to 3 years. और उसमें हमने बिटवीन अवर मैनकॉम एक नंबर बेंचमार्क किया हुआ है कि इस नंबर पे पहुंचने के बाद हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि जहां से हम फिर नेक्स्ट लेवल पे राइज करने की प्लान करेंगे. यहां एक मैं आप छोटा सा आपको सर आते भाई रोक रहा हूं. इस वक्त पाकिस्तान को अगर देखा जाए, हम पाकिस्तान की बात करें, हालांकि 18 countries में आपका और भी ऑपरेशन हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकॉनमी इस वक्त बड़ी डोलड्रम है, बड़ी फ्लक्चुएटिंग है, बड़ी मुश्किल हालात है. इंटरेस्ट रेट देख लें सर, अपना डॉलर रेट, इलेक्ट्रिसिटी, और लोगों की जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में तो वो तो बहुत ज़्यादा क्रश हो गई है. पाकिस्तान के इस इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या समझते हैं कि ग्रोथ जस्टिफाई हो रही है? बट क्या वो ऐसी 5 साल के अंदर आपकी जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो अचीव हो जाएंगे इस पाकिस्तान की इस मेल्ट डाउन इकॉनमी में? देखिए जी, पाकिस्तान एक अल्लाह ताला का ना एक गिफ्टेड मुल्क है. अब पहले चूँकि आपने शायद आप इन्फ्लेशन के बारे में भी मेंशन करना चाह रहे थे, तो देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी एक उसका फूड साइकिल कंप्लीट है. ठीक है, यानी अगर फूड इन्फ्लेशन 40% से ऊपर गया तो अर्बन पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बहुत स्ट्रेस आया. जी आया, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई. लेकिन जो फूड प्रोडक्ट आप पहले लेते थे, लेट्स से 1,000 रुपये की बोरी आटे की, अब वो आटे की बोरी जो है वो डबल हो गई कीमत. तो खरीदने वाले की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन वो प्रोड्यूसर वो आटा प्रोड्यूस भी तो यही हो रहा था ना. तो उस एग्रीकल्चर वो पैसा सारा शिफ्ट हो गया, किसी की एग्रीकल्चर अर्बन टू रूरल में चला गया. रूरल इनकम बढ़ गई, साथ जो मिडिल मैन थे उनकी इनकम बढ़ गई, जो मंडियों में काम करने वाले थे उनका भी कुछ मार्जिन बढ़ गया. तो ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लेशन साइकिल है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के फूड वाले का पाकिस्तान के अंदर ही रहा. तो लिहाजा बैंक्स की जो डिपॉजिट के ऊपर स्ट्रेस नहीं आया. अच्छा, उस पे राइज आया, इंक्रीज आया. मतलब डिपॉजिट जो था वो आप सब बैंक्स का देखें तो इंक्रीज ही हुआ. तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी तो डबल हुई है सब जी. प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए भी डबल हुई कि पॉलिसी रेट्स बहुत ऊपर चले गए, तो उससे मार्जिन बहुत बढ़ गए. कहाँ 7% कहाँ ऊपर चला गया. फिर एक चीज़ और आप ये देखें ना कि जब रियल एस्टेट से फंड्स डाइवर्ट होते हैं टूवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा हाई कॉस्ट के टर्म डिपॉजिट्स पे चला रहे. लोग वो पैसा फिर अपने अकाउंट्स में भी रखते हैं. जो अकाउंट्स हैं वो करंट अकाउंट्स होते हैं, फिर उसमें सेविंग्स अकाउंट्स भी होते हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ शिफ्ट. इसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स के ऊपर ओवरऑल वैसा नहीं आया. लिक्विडिटी वाइज इतना स्ट्रेस नहीं आता. हाँ, चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है. उनको इम्पोर्ट की जो चैलेंजेस थे उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी चैलेंजेस हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई, उनकी यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ गई. तो दैट इज़ अ बिग रियल चैलेंज फॉर द कंट्री इस वक्त जो अंडर इन हालात में है. मतलब बैंक्स का तो मैंने देखा हनीमून पीरियड चल रहा है वैसे पिछले ये बड़ा बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी देख के लग रहा है कि ये तो पाकिस्तान का सबसे कमाऊ पूत है सर जी. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो बैंक्स आर आल्सो वल्नरेबल टू द रिस्क बिकॉज ऑफ दिस हाई पॉलिसी रेट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. बिकॉज अगर बिजनेसेस नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली तो बैंक बैड डेट्स होंगे, बैड डेट्स होंगे बैंक से नॉन परफॉर्मिंग. तो इसलिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको सलूट है कि वो अभी भी कम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं विद दी एक्सपोर्टिंग कंपेटिटर्स लाइक बांग्लादेश, अवर नेबरिंग कंट्रीज, चाइना वगैरह से, जबकि हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है उनसे 3 times हो गई है.
तो फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। डिवेल्यूएशन ने उनको कुछ बेनिफिट भी दिया, एडवांटेज भी दी जी, हमारी प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में जब डिवेल्यूएशन होती है तो कम्पिटेटिव हो जाती है, बट देन अगेन द रॉ मटेरियल ऑफ दोज एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स वो भी महंगा हो जाता है। तो इट्स अ मिक्स, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। सर अगले दो तीन छोटे, फिर मैं अगली लीडरशिप पे शिफ्ट करता हूँ। सर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, क्योंकि अलवर का बेसिक मैंडेट इज इस्लामिक बैंक, अभी तक क्या रूम देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग की जो कन्वर्जन है अभी भी लोग ट्रेडिशंस बैंकिंग कन्वर्जन है? सिर्फ मिजान बैंक ने या दो तीन और बैंकों ने बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, अभी भी कितनी ग्रोथ है और क्या आपका समझते हैं स्पाई चार्ट में इस्लामिक बैंकिंग में अलवर का हिस्सा होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स? देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं देखने के लिए। एक तो ये कि हमारा अभी भी जो पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्लामिक बैंक का कितना पार्ट शेयर है वो 22%। अब मलेशिया जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इट इज़ ओनली 50%, वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का शेयर 45%। वाओ, तो हमारे यहाँ जहाँ 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग, कितना बड़ा गैप है 22%। पहली तो ये गैप बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी में या हमारी जो डेमोग्राफिक है उसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी अभी सिर्फ 30% है। अभी बैंक नहीं है, अभी जो लोगों अभी 70% एडल्ट्स के तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो इस्लामिक बैंकिंग का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो तो बहुत प्रॉमिसिंग है। 22 से ये 45-50 तक जाना है। 20 देखें अभी वो शरिया फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन है टू इंडस्ट्री विद इन 5 ईयर्स वो सब इस्लामिक बैंक्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइन, बहुत पॉजिटिव। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पब्लिक एट लार्ज है उनको कन्फ्यूजन है कि जी ये इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक है ये नहीं, और अगर इस्लामिक है तो वो कितना फ़र्क है उसमें। तो जब कन्वेंशनल साइड खुद ब खुद सारी इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगी, फैसल बैंक ने सर अभी सारा शिफ्ट किया है, सक्सेस स्टोरी। तो जब पूरा की पूरी बैंकिंग इस्लामिक में शिफ्ट होगी तो उसके बाद जो अभी इस्लामिक बैंक्स हैं उनको, उनके लिए भी पब्लिक का परसेप्शन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रू इस्लामिक बैंक्स हैं, प्योरली इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, शरिया कंप्लायंट बैंकिंग हो रही है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये कि जो अवेयरनेस है या लैक ऑफ क्लैरिटी है अमंग द पब्लिक फॉर इस्लामिक बैंकिंग वो एक डायलेमा है, वो अभी चैलेंज है। वो डायलेमा बड़ा यूनिक इसलिए है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग को क्वेश्चन नहीं किया जाता जैसे पाकिस्तान में किया जाता है। यहाँ यूएई में नहीं होता, मलेशिया में नहीं होता, और इवन के दूसरे रीजन में मिडल ईस्ट, इवन लंदन में, यूके में पड़ा इस्लामिक बैंकिंग की बड़ी बेसिक, बिल्कुल उसको फेस वैल्यू पे लिया जाता है। जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट के ऊपर लिख देते हैं हलाल फूड तो आप उससे क्वेश्चन नहीं करते, तुमने ज़िबा किया था वीडियो दिखाओ, ये आप ऐसी कोई बात नहीं करते। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग को क्वेश्चन इसलिए भी किया जाता है कि शायद पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग दो दफ़ा लॉन्च हुई थी, एक दफ़ा 1984 में विद वन स्ट्रोक ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जी जी, और फिर उसको 1992 में शरिया ट्रिब्यूनल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने अन इस्लामिक डिक्लेयर किया। तो जब अन इस्लामिक डिक्लेयर किया तो कन्फ्यूजन आ गया जी, तो फिर गवर्नमेंट को कहा कि या अथॉरिटीज़ को कहा कि आप प्योर इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च करें। तो फिर जो आज इस्लामिक बैंक एग्जिस्ट करते हैं इनका वजूद आया, लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन रह गया कि जिस पुराने सिस्टम को अन इस्लामिक कहा गया उनको वापस 1984 पे रिवर्ट नहीं किया गया। तो जब वो 1984 में इस्लामिक हुए थे तो उन्होंने इंटरेस्ट का वर्ड ख़त्म करके PLS का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया था टर्म, और इंटरेस्ट का लोन एग्रीमेंट्स में ख़त्म करके मार्कअप और बायबैक एग्रीमेंट्स का नाम डाल दिया था। तो जब 1992 में उनको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया गया तो वर्ड इंटरेस्ट वापस इंट्रोड्यूस नहीं किया गया उस सिस्टम में। तो आज जो पाकिस्तान का बैंकिंग दो सिस्टम है इन ट्रू स्पिरिट अगर आप देखें तो देर इज़ अ ओल्ड इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम एंड अ न्यू इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। देर इज़ नो सच थिंग एज अ प्योर कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान बिकॉज द वर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन अवर बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो कन्फ्यूजन है पब्लिक कि जी ये प्योर है कि नहीं। तो अब जब कन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम वो पूरा का पूरा इस्लामिक हो जाएगा तो इट विल एक्चुअली ओपन द अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द शरिया कंप्लायंट, क्लैरिटी आ जाएगी जी। सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, जब ग्रोथ आती है तो पेन भी आती है जी, तो ग्रोथ हैज अ पेन जैसे
बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक पेन होती है. तो जब ग्रोथ आ रही है, आपसे कह रहे हैं कि 5 years की जो ट्रैक्टरी में नंबर हमने अचीव करना है, तो ग्रोथ माशाल्लाह बड़ी रोबोस्ट और बड़ी, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल्ड पीपल. इस्लामिक बैंकिंग के बंदे नहीं मिलते सर. अच्छा मैनेजर आपको ढूंढना पड़ता है, चाहे एचआर मैनेजर हो, ट्रेनिंग मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो या कोई. तो आपकी क्या चैलेंजेस हैं आप का इस्लामिक अपना बैंक के ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी है टू ओवरकम दिस चैलेंज? देखिए, किसी भी वाइब्रेंट बैंक की जो एक स्ट्रेंथ होती है, वन ऑफ द स्ट्रेंथ, उसकी ट्रेनिंग होती है. यस, एचआर एंड ट्रेनिंग, उसका एलएनडी और उसकी ट्रेनिंग. और किसी बैंक की अगर आप सक्सेस को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें ना, उसके पैरामीटर्स, तो कस्टमर जो होता है वो उस बैंक को वन ऑफ द बेस्ट बैंक समझता है. And he is satisfied with the, he or she is satisfied with the bank. दूसरा एक्सपेक्ट उसका ये है कि उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उस बैंक से, अपने बैंक से सेटिस्फाइड होता है और उसको एक अच्छा एम्प्लॉयर समझता है. जब ये दो चीज़ें आप अचीव कर लें तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर साइज इज. आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, आपका स्टाफ आपसे सेटिस्फाइड है. तो माई स्ट्रेटजी जो हमने इस साल 2023 के स्टार्ट में दी बोर्ड को एंड बोर्ड अप्रूव्ड इट, उसका पहला जो फेज था वो था एच आर रिफॉर्म्स. तो वी डिड सम मेजर एच आर रिफॉर्म्स जो कि हमने मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया अपनी बहुत सारी चीज़ों को. और कुछ चीज़ों में हम मार्केट से आगे चले गए. फॉर एग्जाम्पल, वी आर वन ऑफ द फ्यू बैंक्स इन द कंट्री जो कि पेरेंट्स का हेल्थ तकाफुल भी अब दे रहे हैं. वाओ, तो ये एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जी, एक हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से, कि आप एक वाइट कॉलर जॉब तक पहुंचते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बनते हैं, बैंकिंग की जॉब करते हैं, बड़ी इज्जत की नौकरी है, और आप जो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट हैं तो आप वो उनके लिए नहीं कर सकते. तो ये एक डिस्टॉर्शन लगती थी मुझे कि इसके बगैर आप एक प्रॉपर सेटिस्फाइड एम्प्लॉई जो है वो वो अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पेरेंट्स को हेल्थ की केयर की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय उसके उसके बच्चे. उस एज में तो जरूरत नहीं होती जितनी उस एज उसके पेरेंट्स. और पेरेंट्स को अगर पता हो कि मेरा बच्चा जो है, अगर मुझे कुछ इलनेस होती है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली उसकी हिट होगी उसकी पॉकेट के ऊपर, तो शायद पेरेंट्स को भी बोझ लगता हो. तो फर्स्ट थिंग डेट वी लॉन्च्ड वॉज द पेरेंट्स तकाफुल. वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट है. अब पेरेंट्स जो है ऑफ ऑल अवर एम्प्लॉयज, दे एक्चुअली वो इट वॉज निगोशिएटेड बाई अवर एच आर डिपार्टमेंट इन अ वे कि दे गेट बेटर बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर देन द स्पाउस एंड चिल्ड्रन. तो वो उससे भी अच्छा. एक और चीज़ जो हमने की वो ये था कि जो मिनिमम सैलरी है हमने सपोर्ट स्टाफ की भी वो 40,000 कर दी. नाउ everyone in our bank including our pn drivers and minimum wage se hum upar chale gaye ji. So now everyone is getting 40,000. So there were it's about 70% people from the support staff really benefited considerably. aur uska ek jo impact aaya hai dono cheezon ka, parents ka takaful ne sabko benefit kiya, support staff har ek ke department mein, har ek ke pn aur drivers aur wo jo the, they आर सो मोटिवेटेड एंड सो इन हाई स्पिरिट. और जो दुआएँ दी हैं उन्होंने, तो मैं यही कहता होता हूँ कि एक माँ या बाप की दुआ से जो है वो दुनिया बदल जाती है. सर ये आपने बड़ी प्यारी बात की. तो 2200 लोगों की माँ और बाप की दुआ से बैंक कैसे नहीं. क्या बात है सर. मेरा ये क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स जब कोई एम्प्लॉई को हायर करते हैं मैनेजर लेवल पे, वो दो तीन क्या कोर कॉम्पिटेंसीज हैं? ये सवाल इसलिए करता हूँ कि ताकि नई नस्ल के बच्चों को पता चले कि जब मैं किसी जॉब के लिए जाऊँगा तो कोई भी अदारा, उसका मैनेजर या सीईओ मेरे अंदर ये खूबियाँ देखेगा फिर मुझे हायर करेगा. तीन कौन कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये कि जिस प्रोफेशन में वो आना चाह रहे हैं, लाइक बैंकिंग में अगर हम हायर कर रहे हैं, तो उनका व्यू बैंकिंग की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बैंकिंग. ऐसा ना हो कि उनका इंटरेस्ट जो है वो हो कि दे वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर,
और दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन IT डेवलपमेंट, या बाहर जाना उसने, और या उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है और वो जो है किसी की वजह से वो आके इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हो गए, तो देट विल बी अ लॉस ऑफ टाइम फॉर द बैंक एंड ऑल्सो फॉर देम. तो जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, वो मतलब आप रिटेंशन भी देखते हैं कि ये ही विल स्टे और नॉट, ताकि उसे पता चल जाता है उसके एटीट्यूड से. जी बिल्कुल. और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो शुरू का जो 2-3 साल हैं, दे शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ देयर लर्निंग फेज. और ग्रोथ जो है वो आपकी 2-3 साल की बेसिक लर्निंग के बाद जो है वो डिवेलप होगी. तो आपको जो भी डिपार्टमेंट दिया गया, स्टाफ चाहे वो क्रेडिट्स में है चाहे वो ऑपरेशंस में है, उनको बहुत दिल लगा के लर्निंग मोड में आके उसको सीखना होगा चीज़ों को. और फिर उसके बाद देन दे विल दे कैन एस्पायर फॉर कि इन्होंने आगे कहाँ जाना है. लेकिन वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि एवरीवन शुड एस्पायर फॉर वेरी हाई पोजीशंस, कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ दे शुड बी अमंग द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक. और शुरू में अगर उनको कोई डिसएडवांटेज है भी उनकी एजुकेशन का, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी जॉब में 4 लोग हायर हुए हैं एंड समबडी गॉट अ डिग्री फ्रॉम अब्रॉड, सेकेंड पर्सन गॉट अ डिग्री फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, और थर्ड पर्सन गॉट अ डिग्री फ्रॉम द एवरेज यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, वो जो एडवांटेज है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उनको एंट्री लेवल पे तो मिलता है. उसके बाद आपका हार्डवर्क, आपका एटीट्यूड, ट्रू, आपका विजन, आपका स्पार्क, बहुत मैटर, आपका स्पार्क, स्पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम अक्सर इग्नोर कर लेते हैं बिकॉज अगर एक बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, एनर्जी लेवल, वो ओबीडियंट भी है, लेकिन उसके अंदर स्पार्क नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, स्पार्क नहीं है टू डू समथिंग न्यू, टू एक हम मैं कहता हूँ कि एनर्जी एंड स्पार्क आर कॉन्टेजियस. आप एक ऑफिस में 8 लोग बैठे हैं, 2 बंदों के अंदर बहुत हाई एनर्जी और स्पार्क है, वो बाकी सब के अंदर भी रेडिएट होता है और वो एक पॉजिटिविटी और एक हाई एनर्जी क्रिएट करता है. उनकी आइडियाज़ ऐसे होते हैं, वो उनके इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं, वो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं एक एटीट्यूड के साथ कि वो एक अच्छा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है ऑन डे टू डे बेसिस. सर अब शॉर्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, 1 लाइनर और आज को हम रैप अप करना है. अच्छे CEO कंपनी का माशाल्लाह बन गए हैं CEO, कोई भी आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे, 3 core competence किसी भी CEO के अंदर लीडरशिप की क्या होती है? लेकिन पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी टीम है, आपको टीम के साथ जो है कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि एक गैप के साथ लीड करें. आप टीम के साथ कनेक्टेड हैं, आप टीम को समझते हैं, तो फर्स्ट इज अ टीम. आप टीम के साथ टीम के साथ सिंक हैं आप उनकी, और आप स्पेशली व्हेन यू कम टू अ न्यू इंस्टीट्यूशन यू गिव अ फेयर चांस टू एवरीवन. और आप जो है उनको यू गिव फर्स्ट चांस टू योर ओन पीपल जो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि टू ग्रो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं एंड एवरीवन फील्स ऑन बोर्ड. दूसरी चीज़ ये कि आपका विजन होना चाहिए कुछ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द टीम, फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, कि आपने इस बिज़नेस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ले के कहाँ जाना है, उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. और जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रेटजी में कन्फ्यूजन ना हो. स्ट्रेटजी हैज़ टू बी वेरी गुड, वेरी क्लियर. अगर आप लेट से रोड मैप है क्लियर, हमने अभी 2023 का जो फेज था उसको हमने बिगिनिंग ऑफ द टर्न अराउंड का, मैं अपनी टीम को कहता हूँ द टर्न अराउंड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, बट बिगिनिंग ऑफ द टर्न अराउंड सिर्फ 1 point एजेंडा है एंड दैट इज रिटेल बैंकिंग. रिटेल, और रिटेल बैंकिंग को भी बताया कि आपकी ये 2 चीज़ें जो है ये आपने करनी है, बेसिकली एक चीज़ है जिसको फोकस करना है. वाह वाह. और वो एक चीज़ जो है वो सारे बैंक को सिर्फ एक ही पॉइंट पे एजेंडा पे लगा दिया. जबरदस्त. तो अगर आप कन्फ्यूजन कर दें स्ट्रेटजी में, 8 चीज़ें डाल दें, तो फिर स्पेशली वेन यू हैव अ न्यू टीम, तो फिर द स्ट्रेटजी बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग. तो इट हैज़ टू बी सिंपल, और आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए. और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप डिमांड करें या एक्सपेक्ट करें अपनी टीम से जो आप खुद कमांड नहीं कर रहे.
तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी दे शुड बी वर्किंग हार्ड, और अगर आप खुद हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप 4:30, 5 बजे या 6 बजे गोल्फ के लिए चले जाते हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि अदर वर्किंग यू नो डे एंड नाइट और आपके लिए जो है बैंक को ट्रांसफॉर्म करें, इट विल नॉट हैपन। तो अगर आप दूसरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे दो गुना ज़्यादा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इनिशिएटिव्स, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटजी, इन टर्म्स ऑफ योर जो जो वे फॉरवर्ड को आप अचीव करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। हमने अभी जो रिसेंटली जो है 30 ईयर्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। वाओ। एंड वी डिडंट वांट टू गो अ कन्वेंशनल वे ऑफ यू नो चूजिंग अ ब्रांड एम्बेसडर। तो हमने उस चीज़ को टच किया कि जो हमारे लोग पाकिस्तानियों की एक अंदर दिल से एक इसकी फीलिंग है। वो फीलिंग क्या है कि हमारा बचपन गुजरा है एवरी डे खबरें सुनते हुए कि आज जहांगीर खान ने फलाना टूर्नामेंट जीत लिया, फलाना जहांगीर खान ख़त्म हुए तो जहांशेर खान शुरू हो गए। उसके बाद एक 36 ईयर्स का गैप आया और फिर एक बच्चा कहीं से जो है 17 साल का उसने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियन बना। तो दैट रिलेट्स टू पाकिस्तान स्टोरी कि पाकिस्तान ने अपनी आधा जो उसका 76 ईयर्स है उसमें से आधे में उसने दुनिया को रूल किया स्क्वाश में, और फिर उसके बाद एक गैप आया और फिर एक बच्चा जो है उसने एक उम्मीद की किरण दी, हमने उसको ब्रांड एम्बेसडर साइन कर दिया। ही इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। जो हमारा जो है लड़का था अपना हमजा खान, नहीं एक हमजा है एक जिसने अपना वो जैवलिन थ्रो में जी, किया। भी किया वो लड़का नदीम अरशद जो है जी बिल्कुल, तो उसने भी वो एक कहाँ मजदूर इंडिया उठाता था और कहाँ उसने दुनिया को बल्कि रिकॉर्ड बनाते जी। तो हमने वो जो 17 साल का बच्चा है उसको आपने उसको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वेरी गुड। तो अभी हमारी बोर्ड मीटिंग हुई स्टोरी लास्ट वीक, तो बोर्ड के सारे मेंबर्स आए हुए थे पाकिस्तान, तो वहाँ पे हमने हमजा को बुला के एक सेरेमनी भी की। अब हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। उसके फादर हैज़ वर्क वेरी हार्ड वो इन फॉर मेकिंग हिम अ सक्सेस स्टोरी। तो हमने कहा नाउ ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सर ज़बरदस्त सर, मुश्किल फैसला डिसीजन मेकिंग बिकॉज द सीईओ इज़ द पोजीशन वेयर सीईओ ऑलवेज मेक अ डिफिकल्ट, दोनों लाइफ में भी कोई डिसीजन मुश्किल तरीन और अभी कोई जॉब के हवाले से कोई मुश्किल फैसला क्या किया लाइफ में? देखें जब मैं पढ़ रहा था कैलिफोर्निया में तो आई वाज आई थिंक 25 ईयर्स ओल्ड जब पढ़ाई ख़त्म हुई, तो मेरे जितने कॉन्टेम्प्रेरीज थे पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे दे ऑल स्टेड बैक, उधर ही रह गए और आई वाज द ओनली वन हु केम बैक चूज टू बी इन पाकिस्तान। तो और मैं चूंकि मेरे पेरेंट्स माई फादर वॉज अ बैंकर रिटायर्ड बैंकर एंड दे कहाँ से रिटायर हुए जी? ही रिटायर्ड फ्रॉम एमिरेट्स बैंक इंटरनेशनल, उनका 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस UBL एंड बैंक ऑफ ओमान एंड, तो वो पेशावर में रहते थे एंड ही डिडंट वांट टू मूव आउट ऑफ पेशावर, सो स्ट्रेट फ्रॉम लॉस एंजेलिस टू पेशावर, और दैट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन एंड आई स्टेड देयर। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज कहीं हूँ तो शायद यही वजह है कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी जो है वो मेरे पेरेंट्स रहे। तो अदरवाइज जो है इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन। वो लॉस एंजेलिस से कराची भी नहीं, लाहौर भी नहीं, पेशावर, एंड देन यू नो मेरा कैरियर फिर बिल्ट होता है वहाँ से और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। कैरियर में तो देखें प्रोफेशन में आपको डिफिकल्ट डिसीजंस बीइंग अ लीडर लेने पड़ते हैं। आप कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को अपने जो है उनकी उनको साथ लेके चलें, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते रहें, उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं, उनको सपोर्ट दें, उनके साथ अगर एडिशनल रिसोर्स अलाइन करने हैं वो भी करें, सो डैट दे बिकम अ सक्सेस। और देर इज़ नो ग्रेट फीलिंग देन टर्निंग अराउंड एन इंस्टीट्यूशन और अ डिपार्टमेंट विद द सेम रिसोर्सेज जो कि आप से पहले थे, देर इज़ नो फीलिंग दैट दैट। हैविंग सेड दैट, when you have to take some tough decisions you have to take some tough decisions or without having the ability to take the tough decisions I think leadership becomes difficult but you do it in a way ki aap har ek ko fair chance dein, har ek ko saath leke chale, unko jaise maine kaha ki apni best effort karein ki with the same team with the same people you turn around the organization. Sir, your inspiration, your role model, one liner question, your role model, आतिफ हनीफ साहब के रोल मॉडल कौन है? एक दो तीन कोई बता। माई रोल मॉडल इज़ माई फादर
उसकी वजह ये कि हर वो क्वालिटी जो मेरे अंदर छोटी 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 करके है वो सब मुझे उधर से नज़र आई. ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी. ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेबल. ही वॉज वेरी पेट्रियाटिक. उनके अंदर वो उन्होंने वो सारी चीज़ें बग़ैर समझाए बग़ैर लेक्चर दिए हमें मुझे और मेरे सिबलिंग्स को जो है वो इनरिच की जो कि वो एवरी डे करते थे. ही मेरा जितना फेथ है रिलीजन है उसमें मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स थे. मेरे फादर ख़ास तौर पे बैंकर होके बीइंग अ प्रोफेशनल वो चाहे जितने मसरूफ़ होते थे वो 5 वक्त की नमाज उनकी होती थी. उनकी इंटेग्रिटी क्रेडिबिलिटी रिस्पेक्ट इन द मार्केट अनक्वेश्चनेबल हार्ड वर्क और जो उनका एक होता था कमिटमेंट और ड्राइव चीज़ों की. उन्होंने हमें बचपन में पूरा पाकिस्तान दिखा दिया. जब हम कैलिफोर्निया गए तो वहाँ पे आई बिकेम द एक वॉलंटियरी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म इन द यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान डे सेलिब्रेट बिकॉज मुझे कहते कहते थकता नहीं था मैं वहाँ पे लोगों को कि भाई यू डोंट नो हाउ ब्यूटीफुल इज़ माई कंट्री. 14 अगस्त को कॉरिडोर भर देते थे हम यूनिवर्सिटियों के पाकिस्तानी पोस्टर से. तो मेरे फ्रेंड्स जो पाकिस्तानी होते थे उनको भी मुझे बताना पड़ता था कि पोस्टर कहाँ के हैं. तो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट उनका बहुत बहुत बड़ा है. तो आई थिंक ही इज़ माई रोल मॉडल. सक्सेस इन 3 कीवर्ड्स. सक्सेस इन 3 वर्ड्स 3 लफ्ज़ों में फ्रेजेस में जुमलों में कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी जी पहली बात तो ये कि आप अपने जो असूल हैं उस पर कायम रह के कामयाब हो. पहली चीज़ तो ये. और असूल जो है वो आपकी बेसिक वैल्यूज़ जो आपने सीखी हैं. मैं अपनी बात करूँगा कि आई एम लकी अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनके अंदर इंटैक्ट रह के अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाजा. दूसरी बात ये कि आपको अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके पैरामीटर्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि आपको सेटिस्फेक्शन किससे मिलना है. अगर सेटिस्फेक्शन आपको मिलता इस चीज़ से है कि आप के पेरेंट्स आपके से सेटिस्फाइड हैं और आपका अल्लाह आपसे सेटिस्फाइड है. वाह. और अल्लाह की सेटिस्फेक्शन भी बड़ी बेसिक KPIs हैं अल्लाह के कि कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं. वो डूज़ और डोंट को आप फॉलो करें और उसके ऊपर बिल्ड करें तो बिल्ड करने के एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स हैं. लेकिन डूज़ और डोंट्स जो हैं वो बेसिक हैं. आप डूज़ और डोंट्स को फॉलो करें इररिस्पेक्टिव कि कैसा माहौल है कितने चैलेंजेस हैं क्या हालात हैं तो आई थिंक अल्लाह आपका आपसे सेटिस्फाइड है. और फिर ये कि आप दूसरों की लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल हैं. तो मेरा एक जो पैशन रहा है वो ये रहा है कि आई हैव बीन अल्लाह के करम से वेरी पेट्रियाटिक. तो मैंने जो मेरी लिमिटेड कैपेसिटी में जो मैं मुल्क के लिए कर सकता था जो मुझे समझ आया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपना सेंस ऑफ सक्सेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने तौर पे मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स विच मेनली रिलेट टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो जो होम रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वर्कर्स जो हैं बाहर से भेजते हैं वो इन 2008 आई केम अराउंड सम स्टेटिस्टिक्स कि जी $6.5 अरब तो बैंकिंग इंडस्ट्री से आ रहा है. तो आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि हुंडी से कितना आ रहा होगा इनफॉर्मल से. तो आई डिड सम वर्किंग और वो वर्किंग की कैलकुलेशन जो थी वो रिजल्ट ये हुई कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अबाउट 24 बिलियन वॉज कमिंग फ्राम हुंडी एंड 6 बिलियन वॉज कमिंग फ्राम बैंकिंग. देन आई रोट एन आर्टिकल जो कि द न्यूज़ में पब्लिश हुआ बिजनेस पेज के ऊपर कि जिसका टाइटल फिर उन्होंने एडिटर ने दिया पाकिस्तान इकोनॉमी नीड्स न्यू डायरेक्शन. जिसमें आई प्रपोज सम इंसेंटिव्स फॉर द बैंक्स कि जिन इंसेंटिव्स के बेसिस पे हुंडी से रेमिटेंसेज बैंकिंग को डाइवर्ट की जा सकती हैं.
वो इंसेंटिव जो थे बड़े, उसको आर्टिकल को पजीराई हुई, तो मैंने फिर वो कवर लेटर के साथ इंपॉर्टेंट जो शख्सियात थी उनको भेजा. एंड देन लेटर ऑन PRI वॉज फॉर्म्ड, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशियटिव, जिसके इंसेंटिव्स के बेस पे होम रेमिटेंस ग्रो फ्रॉम 6.5 बिलियन इन 2008 टू 32 बिलियन इन 2021. रोशन डिजिटल जो उन्होंने, वो अलग है जी, जो बोला था रोशन डिजिटल, ये होम रेमिटेंसेस को इंसेंटिव्स बैंक्स को देने शुरू कर दिए PRI ने, स्टेट बैंक, और उससे ये 32 पे 30 पे चला जी. स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है, इनको मिल के PRI बनाया. अब फिर हमने जी दुबई एक्सपो में एक सेमिनार किया 2022 के शुरू में, जिसमें एक्सचेंज कंपनीज को बुला के एक क्वेश्चन किया. सेमिनार तो ब्रॉड बेस था, बट एक क्वेश्चन उसमें ये किया कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ होम रेमिटेंस स्टिल कमिंग फ्रॉम हुंडी. अच्छा, इनफॉर्मल चैनल, जब हमारा नंबर 32 बिलियन पर था. ओके, तो दे सेड स्टिल अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम हुंडी. इट मीन्स कि हमारा एक्चुअल होम रेमिटेंस इज 64 बिलियन. तो हमें चंद एक बिलियन के लिए IMF के साथ हम लोग इतने स्ट्रेस में रहे कि हम दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा हमने वो एक दो तीन बिलियन के लिए. तो हमारे पास अपना जो कुशन है होम रेमिटेंस से फर्दर करंट अकाउंट को एड्रेस करने का, वो $32 बिलियन है अभी भी है गया. और वो अभी भी है. तो मेरा होम रेमिटेंस मेरी जो पब्लिश आर्टिकल्स हैं, प्लस मेरा एक पैशन रहा है व्हेन आई केम टू नो दैट पाकिस्तान कैन ग्रो ऑलिव्स. जब मुझे पता चला था थ्रू सम डिपार्टमेंट की कोई एक बुकिश रिसर्च से, तो उसको जब फिर मैं लिखना शुरू किया, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू बीट स्पेन. स्पेन प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑलिव्स, और हमारे पास जो एरिया अंडर suitable have for olive cultivation it is 1.5 not under cultivation suitable for olive suitable it is 1.5 times the size of the area of spain jo produce kar raha hai. aur sabse interesting baat ye ki ye wo area hai jahan aaj kuch bhi nahi ug raha, kuch bhi, ye pathrile pahad hai. yani litchi aur strawberry jab pakistan mein introduce hua to wo kisi aur crop ko hata ke humne wahan lagaya, irrigated land pe lagaya. ऑलिव वहाँ लग रहा है जहाँ आज कुछ भी नहीं लग रहा, तो वो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं जिनकी ज़मीनों पे ऑलिव लग रहा है. तो इसकी जो अपसाइट है, इट इज़ अबाउट $3 to $4 billion ऑफ ऑलिव ऑयल पर ईयर, जो कि ऐसे एरिया से प्रोड्यूस होगा जहाँ इस वक्त कुछ भी प्रोड्यूस. मुझे शाह फरमान जो गवर्नर थे KP के, उन्होंने, आपको पता है कि मेरा बड़ी डिटेल मेरे साथ इसके ऊपर हमारी इंटरव्यू हुई थी. सर लास्ट वो क्वेश्चन, किताबें, कोई भी CEO 50 बुक्स एज पर हार्वर्ड रिसर्च वो स्टडी करता है, दो तीन किताबें बताएं जो कि रियली यू चेंज योर लाइफ, turned around your life sir. दो तीन किताबें रिकमेंड कीजिए सर, उर्दू, इंग्लिश, लीडरशिप, किसी भी वाले से. आपको सरप्राइज होगा कि शायद आप कहेंगे मैं इकोनॉमी की किताब कहूँगा, या मैं फाइनेंस की बुक कहूँगा, या मैं किसी CEO की सक्सेस स्टोरी कहूँगा. देयर इज अ बुक आई रेड ड्यूरिंग माई हज इन मदीना. अच्छा, और उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ मदीना. हिस्ट्री ऑफ मदीना इंग्लिश में. तो चूंकि हज में मेरे पास काफ़ी टाइम था, 8 दिन मदीना में रहे थे हम, और आपको पता है मक्का में तो आप बहुत बिजी होते हैं तवाफ वगैरह में, मदीना में आपके पास बहुत आराम से टाइम होता है. तो अपार्ट फ्रॉम तलावत कुरान, नवाफिल, कुरान शरीफ, बाकी चीज़ों के, मैंने वो मदीना की हिस्ट्री की किताब भी पढ़ी. तो उसमें एक, अब आपके प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें एक जगह पे था, हाँ, कि मदीना में हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा थे उनमें से कुछ लोग एक दफ़ा आए और उन्होंने कहा कि जी अब मदीना एक्सपेंड हो रहा है, तो नमाज की इतला नहीं मिलती और नमाज शुरू हो जाती है. तो बाय द टाइम सब लोग पहुँचते हैं तो कई लोगों की नमाज या मिस हो जाती है या आधी मिस हो जाती है, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम बेल बजाना शुरू करें नमाज के लिए, बुलाने के लिए. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग बेल मत बजाओ, कल फलानी नमाज के बाद हम मशवरा करेंगे कि क्या करें. तो सब ने सुन लिया. अब सब लोग तैयारी कर रहे थे कि कल क्या मशवरा देना है. तो जब मशवरे का टाइम आया तो पहले साहब वही थे, उन्होंने कहा जी बेल के बारे में मेरे जहन में आया था. तो सब ने कहा कि नहीं, बेल तो क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं वो चर्च के लिए बजाते हैं,
तो कन्फ्यूजन होगा कि भाई चर्च में बुला रहे हैं या मस्जिद में बुला रहे हैं। एक और साहब ने सजेशन दी थी कि बिगल बजाएं, तो फिर किसी ने कहा कि कोई एक मज़हब है जो कहीं किसी और मुल्क में वो लोग बिगल बजाते हैं, तो कहीं वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन ना आए। अच्छा, इसी तरह एक दो सजेशन के बाद एक सहाबी ने कहा कि जी मैं ये रात को सोचते सोचते सो गया कि सुबह मैंने क्या मशवरा देना है, तो मेरे घर के बाहर मैंने ख्वाब में देखा, मैं दरवाज़े पे खड़ा हूँ तो एक सेंट गुजर रहा था एक बड़े रोब्स में, तो उसके कपड़ों के साथ बेल्स लगी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि बाबा ये बेल मुझे एक दे दो, हो सकता है कल हमें ज़रूरत पड़े, अगर फैसला हो गया कि बेल बजानी है तो मेरे पास बेल नहीं होगी तो मैं बेल दे दूँगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा उनको, अभी इंग्लिश की किताब थी, नो डोंट यूज़ द बेल, कॉल फॉलोइंग फ्रेजेस। अब वो कॉल फॉलोइंग फ्रेजेस के बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो नीचे अरबी लिखी थी, तीन लाइनें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं अजान पढ़ रहा हूँ। वाह, हैया लल फलाह, हैया। तो पूरी अजान, जब मैंने द मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि अजान है, तो वहाँ मस्जिद नबवी में मैं बैठा था तो असर की अजान शुरू हो गई और वो अजान मैंने उसके साथ सुनी। उसी के साथ। उस दिन मुझे पता चला आएगा। ये जो हम बचपन से अजान सुन अजान सुन ये क्या कॉलिंग। अच्छा, और फिर एक और चीज़ देखें कि जब उन्होंने नरेट किया तो उसके बाद सब ने कहा कि जी ये बड़ा अच्छा ख्याल, ये सही ख्याल, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सर हिलाया। अब हम बात करते हैं लीडरशिप की, लुक एट द पावर ऑफ लीडरशिप। कि मैं और आप मीटिंग करते हैं, मीटिंग की जो डिसीजन होता है उसकी, किसी डिसीजन की लाइफ एक साल होती है, किसी की दो साल तीन साल, वहाँ पे एक मीटिंग होती है और उसको कोई चेयर कर रहा है और जो चेयर कर रहा है वो सिर्फ उस डिसीजन पे नॉट करता है एंड इट बिकम्स जो आप ये कहें कि एक वंडर ऑफ द ह्यूमन काइंड कि जब तक ये प्लेनेट जिंदा रहेगा वो आवाज़ जो है वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं गूंज रही होगी, पूरे 360 एंगल से गूंज रही, पूरे ग्लोब में। यानी उस सर हिलाने के बाद जब तक ये प्लेनेट रहेगा जिंदा रहेगा, ऐसा लम्हा नहीं होगा जिसमें वो अजान, तो पूरी दुनिया में हर लम्हा हर वक्त वो हो नहीं रही होगी। और लैंग्वेज चाहे कोई भी हो उस मुल्क की, अजान अरबी में हो रही और कह क्या रहे हैं की तरफ। और विजन देखें जी, विजन, इस लीडरशिप का विजन देखें कि बिगल जो है, जिस मज़हब के बारे में उन्होंने नाम लिया कि जो बिगल बजाते हैं, वो मज़हब मदीना में नहीं था, नहीं था वो मदीना से बहुत दूर था और कहीं उनको पता चला था कि वहाँ पे है, और ये हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे जहाँ उनको अभी अपनी ज़िंदगी भी कभी पता नहीं था कि किस वक्त हमला हो जाए, जंग हो जाए। हम जैसे आम कमज़ोर ईमान के लोग तो यही सोचते रहे कि पता नहीं कल क्या होगा, वो ये सोच रहे हैं कि जब ये इस्लाम फैल के उन मुल्कों में पहुंचेगा तो वहाँ कन्फ्यूजन होगी। लुक एट द विजन। और फिर जो फैसला था वो फैसला ऐसा पुख्ता फैसला, और फिर उसमें किया क्या, अब वो अजान जिनके ख्वाब में आई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कह सकते थे, वाह वाह, वो खुद भी मीटिंग में कह सकते थे कि तुम बेल मत बताओ तुम ये कहो, लेकिन वो वही जिन पर नाजिल हो रही थी माशाल्लाह, अजान उन पर नहीं नाफिज हुई, उन पर नहीं नाजिल हुई, अजान जो है वो किसी मशवरा देने वाले के ख्वाब में आ रही, एंड इट इज़ समबडीज ड्रीम जो कि हम सारी ज़िंदगी गूंज रहे हैं, सुनिए किसी का ख्वाब है। तो मुझे जो वो पावर ऑफ लीडरशिप है ना जी, दैट इज़ सो इंस्पायरिंग, इट चेंज माई लाइफ। वाह सर जी, कल लास्ट क्वेश्चन, इतना मज़े की गुफ्तगू है, दिल नहीं कर रहा मैं इसको रोकूँ। लास्ट सर, मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, होपलेसनेस है, जॉबलेसनेस है, क्या मैसेज है फॉर यंग पीपल, यंग जनरेशन, यंग लोगों के लिए? द मैसेज इज, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लेनेट। अल्लाह ताला ने इसको जिन नेमतों से नवाजा है, देयर इज़ हार्डली अ कंट्री जिसको इतनी नेमतों से नवाजा। छोटी छोटी चीज़ें देखें इसकी, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एक किनारा जो है 800 किलोमीटर का कोस्टल एरिया, दूसरा किनारा दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 2500 किलोमीटर है, तो इट इज़ द मोस्ट स्टीप लैंडस्केप ऑन अर्थ। इसकी पॉपुलेशन देखें
तो इसकी 65% पॉपुलेशन 30 ईयर से नीचे। इस वक्त सारी दुनिया में चैलेंज क्या है कि आबादी कम हो रही है, जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी आबादी कम हो रही है। पहले तो शादियां नहीं हो रही, शादियां अगर हो रही हैं तो एक एक बच्चा हो रहा है, अगर दो बच्चे भी हों किसी के तो तब भी आबादी बढ़ नहीं रही, ऑन द एवरेज देखें तो कम हो रही है। हमारे यहाँ 65% आर बिलो 30। इवन चाइना जैसा मुल्क जो है वहाँ पर भी आबादी कम हो रही है। फिर हमारा जो मिनरल रिसोर्स है, इतना मिनरल है, कोयला जब निकला तो हम 100 साल तक की अपनी बिजली पूरी कर सकते हैं। हमारा जो हाइडल है वो इतना है कि हम अभी उसको टच भी हमने नहीं किया, और अगले 10 साल में जो कैपेसिटी हाइडल पावर की आनी है फ्रॉम वुमन डैम, बाशा डैम एंड अपना दियामर डैम है, दियामर है, तीसरा जो हमारा दासू डैम है, दासू। इन तीन डैम्स की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट पावर जनरेशन अगले 10 साल में आनी है। फिर हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इतनी वास्ट है, और अभी तो हमारा कितना ज़्यादा लैंड इरिगेट ही नहीं हुआ। हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इवन उसमें 70% पॉपुलेशन जो है अभी तक उनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। तो हमारा जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो उसमें क्या नहीं है। हमारे सिटीज़ जो हैं, हमारे पास ऐसे सिटीज़ हैं दुनिया के पुराने तरीन ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं, हमारा हेरिटेज, हमारा साइट सीन, हमारी माउंटेन्स, हमारा कोस्टल एरिया, अभी तक तो कोस्टल एरिया का टूरिज़्म डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे लोग कोस्टल टूरिज़्म के लिए थाईलैंड और दुबई और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ हमारा अपना कोस्ट इतना प्यारा है, यहाँ तो अभी रिजॉर्ट्स और होटल्स और वो टूरिज़्म डेवलप ही नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल तो ये है कि जो यूथ है, हम माइनॉरिटी हैं, दे आर मेजॉरिटी, ये मुल्क आपका है, आपने इसको चेंज करना है। और जो एनर्जी, और जो मैं वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, जो वाइब्रेंसी और स्पार्क हमारे यूथ में है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। दे आर द वंस जो के गो डूअर्स हैं, दे गो गेटर्स हैं। हमारे दौर में हम जब यंग थे हम सोचते थे कि जी कैंपिंग कैसे करें, हम माउंटेंस में जाके हाइकिंग कैसे करें, यहाँ तो आइडिया आता है और दूसरे दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के भी हुंडा और स्कर्दू में जो है दो बच्चे पहुंच जाते हैं। तो जो आपको इस मुल्क से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, वन थिंग डेट आई विल रिकमेंड टू एवरी यंग बॉय और यंग गर्ल इज़ टू गो एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान। और जितना आप इसको देखेंगे, जितना आप इसके वैलीज़ को देखेंगे, इसके दरियाओं को देखेंगे, इसके लेक्स को देखेंगे, इसकी माउंटेंस को देखेंगे, इसके कोस्ट को देखेंगे, इसके दरख्तों को देखेंगे, आप जहाँ रहते हैं उसमें अगर 50 से 100 साल पुराना दरख्त है, आप उसको पूछें किसी से कि ये कौन सा दरख्त है, ये किस चीज़ का दरख्त है। जितना आपकी एसोसिएशन आपके दरख्तों, पौधों, नेचुरल चीज़ों के साथ होगी, उतना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल अपने मुल्क में बढ़ जाएगा। और हमारी जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी वेज। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर आवर यूथ प्रेफर्स टू वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। हमारी ख़ास तौर पर जो फीमेल पॉपुलेशन है, दे आर द ओनली फीमेल पॉपुलेशन ऑन दिस प्लानट हु प्रेफर्स टू वेयर देयर एथनिक क्लोदिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडेमिक बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाउ विच इकनॉमिक सेगमेंट दे बिलोंग टू, इररिस्पेक्टिव इवन अगर वो यूरोप अमेरिका में भी रहते हैं तो वापस आते हैं तो दे लुक फॉरवर्ड टू बाइंग शलवार कमीज। अब दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। इंडिया में साड़ी हैज़ बिकम अ फॉर्मल ड्रेस, बांग्लादेश में साड़ी हैज़ बिकम अ फॉर्मल ड्रेस। अब हमारे जो इवन चलिए मैं मीडिया की बात करूँ, हमारे थ्रू मीडिया प्रोग्राम्स एंड टीवी ड्रामास, हमारा शलवार कमीज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है टू अदर कंट्रीज़ एज अ क्लोदिंग स्टाइल। तो आप अपने मुल्क को इंजॉय करें, इसकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करें, गौर करें और इसमें प्राइड लें। और हम अगर आज इस पोजीशन में बैठे हैं तो हम इसलिए बैठे हैं कि किसी ने ये मुल्क आज़ाद किया था। अगर ये मुल्क आज़ाद ना हुआ होता, ना मैं इस पोजीशन पे शायद होता, ना इजाज़ साहब इस पोजीशन पे होते कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, जब मुल्क का नाम आए तो खुशी से नाम लें और इसकी अच्छी बातें करें, इसकी नेगेटिव बातें ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू, यू मेड माई डे सर, यू मेड माई डे।